तो वहीं सोशल मीडिया पर घूम रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो ने एक बार फिर एआई संचालित डीप के तकनीक के खतरों की सुर्खियों में ला दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई विपक्षी नेताओं द्वारा साझा किए गए वीडियो में अमित शाह बीजेपी के सत्ता में आने पर आरक्षण समाप्त करने का वादा करते दिख रहे हैं। बात अगर असली वीडियो की करें तो गृह मंत्री ने तेलंगाना में एक रैली में कहा था कि भाजपा मुसलमानों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौजूद 4% आरक्षण को खत्म कर देगी। भगवा पार्टी का कहना है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। हालांकि ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे वीडियो को कथित तौर पर डीप के तकनीक का उपयोग करके बदल दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि अमित शाह एससी और एसटी सहित सभी आरक्षणों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि देश के कई हिस्सों में दर्ज मामलों में समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के इरादे से इस डीप फेक वीडियो में भ्रामक जानकारी फैलाने का हवाला दिया गया। वहीं अमित शाह ने अपने डीप फेक और मॉफ्ड वीडियो पर कहा कि वो हताश हैं और अपनी हार से डर रहे हैं, इसलिए वो डीप फेक वीडियो को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का।